एवरीवन, दिस इज निकिता हावलकर एंड वेलकम बैक टू इंडियन रिएक्शन। गाइस, आज मैं एक मूवी के ट्रेलर के ऊपर ऐसे लेने वाली हूँ बहुत टाइम के बाद, मतलब किसी ट्रेलर के ऊपर ऐसे लेने वाली हूँ मैं आज। मूवी का नाम है मुंबई सागा एंड इमरान हाशमी एंड सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, काजल अग्रवाल, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं। एंड ये एक क्राइम थ्रिलर हो सकती है, मुंबई सागा है नाम इसका। इसकी जो स्टोरी है वो बेस्ड है बॉम्बे मुंबई उस चीज़ के ऊपर। सो बाद में बात करेंगे, पहले इसका ट्रेलर देख लेते हैं। 13 मिलियन व्यूज है इसके ऊपर ऑलरेडी, और जो रिक्वेस्ट आई थी वो रिक्वेस्ट थी अंजलि के पास से। सो थैंक यू फॉर रिक्वेस्ट एंड लेट्स बी गन। हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। आज से हफ्ता बाद पोते हुए हाथ तूने काटा क्या? मेरे भाई को हाथ लगाया था उसने। तुझे आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। सबर कर, तेरा भी टाइम आएगा। टाइम तो हर किसी का आता है, मेरा तो और आएगा। महाराज उसी का चलता है जिसकी हिम्मत उसकी ताकत से बड़ी हो। डरिंग है, बंदूक दिखा के डराता है क्या? बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। हमारे त्यारा जी आती मुंबई राज करूंगा। कैतान ने गाय टुंडे से हाथ मिला लिया, कैतान का उड़ना बंद कर गाय टुंडे अपने आप जमीन पर आ जाएगा। चलती रेस में घोड़ा नहीं बनता। घोड़ों के रेस में घाते पर दाब लगाए तूने, तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है, तू नहीं। अमर्त्या राव ने एक रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट को बीच सड़क मार दिया। 10 करोड़ उस पुलिस वाले को जो अमर्त्या राव के सर में गोली डालेगा। क्या लगता है सर, अमर्त्या मरेगा? सवाल ये नहीं कि अमर्त्या मरेगा, सवाल ये कि 10 करोड़ का मैं करूंगा क्या। क्या बात है। उस चूहे को बोलो फिर से बाहर निकलने को। धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। अर्जुन को छोड़ा, उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार खुशकिस्मत होना पड़ेगा और मुझे सिर्फ एक बार। तो फिर देखते हैं आज किस्मत तुझ पे एक बार मेहरबान होती है या मेरे हिस्से के मौका में। अभी एक मौका बाकी है। क्या बात है। किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा, तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था। ओके, तो अब चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। पहली बात जो है मुंबई सागा, तो जो स्टार्टिंग जब हुआ जब कहा कि कोई हफ्ता नहीं देगा, तो ये एक चीज़ है कि हफ्ता कोई क्यों नहीं देगा। आई मीन अगर जो जॉन अब्राहम का जो कैरेक्टर है अमर्त्य, तो अगर वो विलन है तो हफ्ता क्यों नहीं देगा। तो शायद ऐसा हो सकता है स्टोरी की कोई और गुंडा यहाँ पर होगा एंड देन ऐसा कुछ भी हो सकता है स्टोरी में, तो शायद वो एक चीज़ होगी। लेकिन उसके बाद जो भी डायलॉग्स थे यार कमाल थे, स्टोरी लाइन पता चल गई यहाँ पर इस ट्रेलर में। तो इस हिसाब से लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इससे कि यार पूरी स्टोरी बता दी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ मूवीज़ जो होती है ना वो ऐसा ट्रेलर में लगता है कि हम पूरी स्टोरी पता चल गई, लेकिन मूवी में कुछ अलग ही देखने को मिलता है। आई होप कि उसमें भी ऐसा ही कुछ हो, कुछ हमें अलग देखने को मिले। इसकी स्टार्टिंग जो सीन था वो एंड जो एंड का जो सीन था वो दोनों बहुत ज़्यादा सस्पेंस है एक्चुअली, और बीच की पूरी जो स्टोरी हम पता चली गई वो ग्रेट, जो भी था बहुत ज़्यादा देखने में। जो डायलॉग्स थे यहाँ पर कमाल थे, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं एंड एक्टिंग बहुत ही कमाल थी। जो कास्ट चुनी गई है वो अच्छी है, देखने मज़ा आया, क्योंकि ये जो कास्ट है ये मोस्टली क्राइम थ्रिलर जो मूवीज़ होती है उसमें होती है। सो उन लोगों को पता है कि उनको कैसे इस कैरेक्टर को डेवलप करना है, कैसे स्क्रीन पर दिखना है। सो दिस इज़ नाइस, मज़ा आएगा देखने में इसे।
19 मार्च को रिलीज हो रही है। और दूसरा गाइज ये कि ये जो मूवी का जो सॉन्ग थे इसमें गणपति बप्पा के सॉन्ग थे, तो ये तो अग्नि पर से चलता आ रहा है कि जो भी क्राइम थ्रिलर हो जहाँ पे खून खराब होने वाला, वहाँ पे जो विलन होता है वो भक्त होता है गणपति बप्पा का, तो ये सॉन्ग बनता था। एंड इसका जो म्यूज़िक है, जो लाइन्स थी, जो वाइब्स थे, बहुत कमाल थे। सो दिस इज़ नाइस। हमने इमरान हाशमी को देखा, हमने जॉन अब्राहम को देखा, लेकिन सुनील शेट्टी का जो रोल था वो बहुत ही कम था। एंड जो काजल अग्रवाल थी उसका, सो उन लोगों से भी एक दो डायलॉग्स ही थे, तो वो एक अभी रिव्यू में बाकी है। सो मूवी उसके लिए भी देखना है। एंड जो लास्ट में जो मैं जैसे कहा कि स्टार्टिंग का और जो एंड का जो सीन था वहाँ पर उन्होंने हाथ मिलाया, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा तो हो ही सकता है कि इमरान हाशमी को पता नहीं होगा कि विलन कैसे दिखता है, बट शायद ऐसा हो सकता है कि उन्हें पता नहीं है कि यही विलन है और हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि वो टैक्सी चला रहे थे या टैक्सी ड्राइवर का एक्चुअली ऐसा किरदार निभा रहे, वो बेस बदलाव ऐसा हो सकता है। तो हमें पता नहीं एक्चुअली कि क्या होगा यहाँ पर, लेकिन एक बार देखनी चाहिए एक्चुअली। ये बहुत अच्छा लिखा गया है, डायलॉग्स बहुत अच्छी है, एंड उसका सॉन्ग्स अच्छा है। सो इट्स गुड। संजय गुप्ता की ये मूवी है एंड उन्होंने ही लिखी है और डायरेक्ट किया है, सो इट्स ग्रेट। मज़ा आएगा एक्चुअली देखने में। सो इसे एक चांस लेना चाहिए। 19 मार्च को रिलीज हो रही है 2021, एक बार ज़रूर देखें इसे। एंड जो भी लोग कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आया, पूरी स्टोरी पर चलेगी, लेकिन स्टोरी पर चलेगी, लेकिन एक बार डायलॉग्स के लिए देख लेना चाहिए। अच्छी है मूवी एक्चुअली। एंड इसकी स्टोरी लाइन कुछ मतलब यहाँ पर पास्ट की बात की गई है, बॉम्बे एंड मुंबई के बारे में। सो मज़ा आएगा देखने में। मुंबई सागा, मुंबई की कहानी कही गई है यहाँ पर। सो मुंबई के लोग तो ज़रूर देखेंगे ऑब्वियसली, एंड जिन लोग मुंबई में इंटरेस्ट है वो लोग भी देखेंगे। अदरवाइज इमरान हाशमी की एक्टिंग सबको पता है कि सबसे बेस्ट होती है। एंड सुनील शेट्टी बहुत टाइम के बाद स्क्रीन पर आने वाले हैं, सो हम लोग वो ज़रूर देखेंगे। एंड जॉन अब्राहम ऑब्वियसली, वडाला के बाद यहाँ पर ये एक मूवी आ रही है, सो देख लेना एक बार यार। ओके सो गाइज, अगर आपको ये अच्छा लगा है, डॉट फॉर लाइक्स एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।